क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड विवादों में घिर गया है। एसोसिएशन पर कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं, इनमें पैसों की धांधली से लेकर जान से मारने की धमकी तक शामिल है। अंडर 19 टीम के पूर्व क्रिकेटर आर्य सेठी के पिता वीरेंद्र सेठी ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद अब राज्य क्रिकेट संघ के सचिव माहिम वर्मा, कोच मनीष झा, वीडियो विश्लेषक पीयूष रघुवंशी और प्रवक्ता संजय गुसाई समेत 6 लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। इन सभी के नाम पूर्व क्रिकेटर के पिता द्वारा 20 जून को दर्ज कराई गई FIR में है। इन पर जान से मारने की धमकी देने और कथित तौर पर जबरन वसूली करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर में राजकोट में एक प्रैक्टिस सेशन में के दौरान कोच मनीष झा ने आर्य सेठी को गाली दी और मारा था। प्राथमिकी के मुताबिक आर्य सेठी ने जब माहिम वर्मा से शिकायत की तो उन्हें कोच के कमरे में बुलाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा आरोप लगाया गया है कि माहिम वर्मा ने उनसे घूस में 10 लाख रुपए मांगे ताकि यह सुनिश्चित हो कि राज्य स्तर पर आर्य सेठी के करियर में कोई बाधा न आए। देहरादून के SSP जनमेजय खंडूरी ने इस मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि इन सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिन में हमने माहिम वर्मा, मनीष झा और संजय गुसाई से अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। इस मामले में हमने उनके अब बयान दर्ज कर लिए हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा बुलाया जा सकता है। इस मामले में देहरादून के वसंत विहार पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और जानबूझकर अपमान करने से जुड़ी IPC की धाराओं में FIR दर्ज हुई है। खिलाड़ी को धमकी देने के अलावा उत्तराखंड क्रिकेट संघ पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की 31 मार्च 2020 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ियों के खाने पर 1.74 करोड़ रुपए खर्च हुए और दैनिक भत्ते पर 49 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें सिर्फ केले का बिल ही 45 लाख रुपए है और पानी की बोतल पर 22 लाख रुपए खर्च होने की बात सामने आई है। उत्तराखंड टीम का हिस्सा रहे रॉबिन बिष्ट ने भी बोर्ड पर बड़े आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिष्ट का कहना है कि मुंबई के खिलाफ हाल ही में हुए रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले होटल ने खिलाड़ियों को खाना देने से मना कर दिया था। उनके मुताबिक होटल स्टाफ ने हमसे कहा कि हमें खाना नहीं परोसे जाने के लिए कहा गया है। इसके बाद जब हमने टीम मैनेजर को फोन किया तो उन्होंने जवाब दिया, स्विगी या जोमैटो से कुछ ऑर्डर कर लो या भूखे रहो, वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। बिष्ट ने आगे कहा कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनके लिए बस की भी व्यवस्था नहीं की गई थी और जब उन्होंने इस बात की शिकायत टीम मैनेजर से की तो उन्हें खुद से कैब या बस बुक करने को कहा गया। उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया, कोविड के दौरान एसोसिएशन ने प्रोफेशनल फीस के रूप में 6.5 करोड़ रुपए बांटे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये पैसा किसे दिया। मार्च 2020 से पहले प्रोफेशनल फीस लगभग 3.25 करोड़ रुपए थी। कोविड के दौरान 1.27 करोड़ रुपए का लंच और डिनर किसने किया। उन्होंने क्रिकेटिंग कोच कैसे हायर किया, मैंने इसे उत्तराखंड विधानसभा में भी उठाया है। मुझे लगता है कि BCCI को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। निर्दलीय विधायक ने आगे कहा कि इस मामले की जानकारी राज्य सरकार को दी गई है। कुमार ने कहा, मैंने और 12 अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को कहा था और मिस्टर वर्मा एंड कंपनी यानी कि माहिम वर्मा और उनके साथी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड की टीम इस बार रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, जहां उन्हें मुंबई के हाथों 725 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रवि राज ने, मैंने हारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।